हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं इस बारे में कि मैंने अभी एक वीडियो डाली थी एक मैम के बारे में। सो मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं, बट या आई रियली रेस्पेक्ट हर। बहुत अच्छी मैम है, बहुत अच्छा पढ़ाती है, मैं खुद उनसे पढ़ता हूँ। वो एक बहुत अच्छी मैम है, मैं उनकी बहुत 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 ज़्यादा रेस्पेक्ट करता हूँ। एक्चुअली हुआ क्या कि मैं कुछ वीडियो देख रहा था, फिर उनका मैम का वीडियो आया, फिर उनका मैं वीडियो देख रहा था तो मुझे कुछ चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट लगी उनकी बातों में, तो मैंने उसको एडिट करके अपलोड कर दिया। मेरे वीडियोस में बहुत अलग अलग रिस्पॉन्स आए, कुछ लोगों को फनी लगा, कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ लोग ऐसे थे, मैं उनकी रेस्पेक्ट करता हूँ, जिन्होंने मुझे कमेंट में ये बताया कि सर ये वीडियो सही नहीं है और किसी के बारे में ऐसे एडिटिंग करके लगाना वो सही नहीं है। तो मुझे भी कहीं ना कहीं उनकी बातें जेन्युइन लगी कि चलो सही है, वो अच्छा मुझे सलाह दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं ऐसी वीडियो अपने चैनल पर ना डालूँ। तो फिर उनके बातों के बाद से मैंने उस वीडियो को डिलीट कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दो चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये एक एक अच्छाई होती है, एक अच्छी टीम की यही खासियत होती है कि आपको लगा कि वो चीज़ें सही नहीं हैं तो मैंने उसको डिलीट कर दिया। हालांकि मैंने उसमें अपना एक भी शब्द नहीं रखा था, वो थोड़ा से मीम्स मटेरियल मैंने एडिट करके लगा दिया था। बहरहाल, मेरे उस वीडियो के कमेंट में बहुत सारे बच्चों ने ऐसे फनी वे में लिया, हंसा, इंजॉय किया, एंटरटेन लगा उनको। लेकिन दो तीन को भी अगर लगा कि ये चीज़ें सही नहीं हैं तो मैंने उनके लिए वीडियो डिलीट कर दिया। मैं क्यों किसी के सेंटिमेंट को हर्ट करूं? अब बात यह था कि मैंने वो वीडियो बनाया क्यों, मतलब उस वीडियो बनाने की जरूरत क्या थी। तो वो एक फनी वीडियो ही था और उस वीडियो को बनाने के पीछे दो रीजन था। दो रीजन, उस वीडियो में आपने देखा कि मैम की बातें कॉन्फ्लिक्ट कर रही थी। उन्होंने कहा कि कभी एग्जाम्स कब होगा, पहले जुलाई में होगा, फिर अगस्त में, तो ऐसी चीजें चल रही थी। ठीक है, कोई बात। दो रीजन ये है उस वीडियो को बनाने का। पहला रीजन ये था कि मैं आप स्टूडेंट को कहना चाहता हूँ कि ना, फैक्ट जो कि अभी अभी अगर हम बात करें कि अवध विश्वविद्यालय का एग्जाम कब होगा, तो दोस्तों फैक्ट ये है ना कि किसी को एग्जैक्ट डेट नहीं पता। ना मुझे पता है, ना मैम को पता है, ना और बच्चे को पता है। हम एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं, प्रिडिक्शन गलत हो सकती है, लेकिन इतना भी ज़्यादा प्रिडिक्शन ना करें कि हर बार से वो गलत होता है। तो एक तो बेहतर है कि खामोश रहे, जब तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आ जाती हम खामोश रहें, अपने आप को चुप रखें, क्योंकि हमारे वीडियो से ना ऐसे भ्रम फैलेगा, लोगों के अंदर गलत मैसेज जाएगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आप सभी बच्चों को, अपने दोस्तों को, कि जब तक ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आ जाता, कोई भी एग्जैक्ट डेट नहीं है, ना मुझे पता है ना उन्हें पता है, तो आप इस तरह से किसी भी एक टीचर का या फिर किसी की बातों को आप भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि उनको भी नहीं पता। हकीकत यह है कि उनको नहीं पता। मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मुझे भी नहीं पता कि बीएड सेकेंड ईयर अवध विश्वविद्यालय के एग्जाम कब होगा, क्योंकि डेटें बढ़ती जा रही। चलिए, अभी आपने देखा कि 3 तारीख तक एक नया चांस दे दिया गया, किसी को नहीं पता था कि ऐसी चीज़ें होंगी, एक लास्ट चांस दिया जाएगा, तो इससे डेट बढ़ सकती है। चलिए, डेट कब होगा वो मुझे नहीं। दूसरा रीजन ये था वो बनाने का कि मैम के साथ उनके चैनल पे 1 लाख लोग जुड़े हैं। तो ऐसे ऐसे यूट्यूबर एक थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि उन मैम को मैं भी देखता हूँ, उनको मैं भी फॉलो करता हूँ। तो जब आपके साथ 1 लाख लोग जुड़े होते हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोग जुड़े होते हैं, वो आपको देखते हैं, वो आपको सुनते हैं, आपको फॉलो करते हैं, बट इसका हमें गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। आप किसी भी यूट्यूबर के टीचर्स के वीडियो पे जाके देखेंगे, चाहे मेरे पे, चाहे उनके पे, चाहे किसी के भी, तो दो टाइप के कंटेंट होते हैं। एक तो हम चीज़ों को पढ़ाते हैं, दूसरा उस पढ़ाई से संबंधित कोई न्यूज़ देते हैं। तो हकीकत यह है यूट्यूब में कि जब हम चीज़ों को पढ़ाते हैं तो उस पर कम व्यूज़ रहते हैं एज यूजल, लेकिन जब हम किसी एग्जाम से रिलेटेड, कोई फॉर्म के रिलेटेड, या फिर कोई जब न्यूज़ देते हैं यूनिवर्सिटी के रिलेटेड, तो उस पर ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। तो इस चीज का कोई गलत फायदा ना उठाए कि बच्चे को डरा के या फिर उसके सेंटीमेंट से, कि मैं कह दूं कि लो भाई एग्जाम डेट आ गया, फला डेट से एग्जाम है, इनसे डेट एग्जाम है, इस यूनिवर्सिटी ने अपनी जारी की डेट, तो इसका हम गलत फायदा ना उठाए, क्योंकि बच्चे आपको देख रहे हैं, इसका मतलब आप कुछ भी चीजें फैला। तो सिंपल सा रीजन ये था कि कोई इसका गलत फायदा ना उठाए। 1 लाख बच्चे अगर आपसे जुड़े हैं, आपको देख रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं, तो आप इसका गलत फायदा ना उठाए, सिंपल सा रीजन ये था। बाकी कोई रोस्टिंग का नहीं था, मैं खुद उनके वीडियोस देखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। इवन मैं अपने चैनल के माध्यम से कहूँगा कि आप उनकी वीडियोस जरूर देखिएगा, उनके कंटेंट बड़े अच्छे होते हैं, बड़ा अच्छा पढ़ाती हैं, बहुत अच्छी मैम है, आई थिंक रेस्पेक्टेड। बाकी आप सभी दोस्तों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे गाइड किया कमेंट में कि सर इसको डिलीट कर दिया, तो मैंने डिलीट कर दिया वो वीडियो, राइट, मैंने डिलीट कर दिया। तो बस इसी चीज़ को बताने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। चीज़ों को खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।